हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट यहाँ पे लेकर आई हूँ। आप अप्लाई कर सकते हैं 18 जून 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 2 जुलाई 2019। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए लास्ट डेट है 5 जुलाई 2019। इसमें सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर ऑल इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, सबको यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए इन्वाइट किया गया है। कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, सारा मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगी। और हमारा चैनल ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको हर स्टेट की, हर सेंटर की जो भी वैकेंसीज आती है सबसे पहले बता दी जाती है। शॉर्ट में बताना चाहूँगी, इससे पहले जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई है पोस्ट ऑफिस HP झारखंड दिल्ली की, और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन उड़ीसा और हरियाणा की बताई है, देन सोशल सिक्योरिटी पंजाब की, उसके बाद फूड सप्लाई गुजरात की। आपको कोई भी लिंक चाहिए होगा मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सारे पहले वीडियो को देखना, समझ लेना एलिजिबिलिटी, फिर आपने अप्लाई कर लेना है। और इसके अलावा 5th नंबर पर मैंने आपको वैकेंसी बताई है बॉम्बे हाईकोर्ट की, 6th नंबर पे मैंने आपको बताई है हरियाणा पुलिस की तरफ से नोटिस आउट हुआ है, उसके बाद NCL की मैंने आपको बताई है, यू की यूपी और MP के पर्सन अप्लाई कर पाएंगे उसमें, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताई है PPSC की तरफ से न्यू नोटिस आउट हो चुका है 8th पास 10th पास 12th ग्रेजुएशन के लिए। अब देखिए, मैंने आपको 7 से 8 नोटिस बता दिए हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है, आप मान लो असम से, अगर आपके स्टेट की वैकेंसी पहले आएगी वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी सबसे पहले, ठीक है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा हमेशा, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर डाउनलोड करना। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बुक्स है, काफ़ी क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। सारा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कौन कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और एज लिमिट की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम अगर आपकी एज 18 है और मैक्सिमम 42 तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप SC कैटेगरी से हो, और उसके अलावा अपर एज लिमिट के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 10 साल का, जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। 15 ईयर्स का SC BC PWD के लिए यहाँ पे बताया गया है। और सैलरी यहाँ पे आपकी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगी। और इसमें देखिए, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बताई हुई है, अगर आपने 10th क्लास में या 12th क्लास में, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैट्रिक या हायर एजुकेशन में, या 10th में या मतलब 12th में, अगर आपने हिंदी या संस्कृत आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है किसी भी फील्ड में, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखिए, मेल फीमेल के लिए 100 रुपीज़ बता दी गई हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पे नहीं है। और जो फीमेल हरियाणा से बिलोंग करती है उनके लिए एप्लीकेशन की फ़ीस 50 रुपये रखी गई हैं, आप देख सकते हैं, जो फीमेल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और SC BC EWS जो कि हरियाणा स्टेट की है, उनके लिए मेल के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस है, और 13 रुपीज़ फीमेल के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहले देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम देखिए किस तरह से होगा, रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा 90 मार्क्स के होंगे, जो कि क्रिटेरिया और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे अगर आपके पास है तो। इसके लिए देखिए 75% वेटेज बताई गई है, जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी या कंसर्न मतलब रेलिवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। और 25% यहाँ पे वेटेज बताई गई है हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी और सिविक्स में, इन्वायरमेंट या फिर कल्चर में। CBT आपका एग्ज़ाम देखिए कब होगा, 13th जुलाई 2019 से लेकर 18th ऑफ अगस्त 2019 तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। टोटल जो वैकेंसी देखिए यहाँ पे आउट हुई है, 1100 पोस्ट आउट की गई है पटवारी के लिए, जो कि इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से आउट की गई है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 1100 वैकेंसीज है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है HSSC.gov.in पे जाके आपने ऑनलाइन ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 18 जून 2019 से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट 2 जुलाई 2019 अप्लाई करने के लिए रहेगी। तो अगर आप एलिजिबल हो ज़रूर अप्लाई करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो पाए। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।